हिंदी साहित्य में जिस तरह से गांव हमारे सामने आ रहे हैं उनका अच्छा रेखांकन किया, शुक्रिया कर्नाटक जी। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि गांव से हम लोगों को प्यार है, आपको प्यार है, इनको प्यार है, क्यों? क्योंकि गांव की अहमियत हम जानते हैं, लेकिन जैसा कोठियाल जी ने इशारा किया, गांव के लोगों को गांव पर उतना गर्व नहीं है जितना हमें गर्व है। वो तो तुरंत शहर की ओर भागना चाहते हैं। ये चीज़ भी बहुत अच्छी तरह से बड़े उस रूप में रेखांकित हो रही हैं। और श्रीलाल शुक्ल का जिक्र आया था, और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में जिनको मैं ज़्यादा पढ़ पाया, नौटियाल जी और शैलेश मटियाली को पढ़ना यानी उत्तराखंड को जानना है, ऐसा मुझे लगता है। और भी कथाकार हैं, उनकी कहानियों में भी बार बार गांव आता है, और कभी अच्छी कंडीशन में कम ही आ पाए हैं, बहुत अधिक बुरी कंडीशन में हमें दिखते हैं, जैसा कि हमारी बार बार की चिंता भी हो रही है। मैं अगले वक्ता के तौर पर वरिष्ठ कथाकार बटरही जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपनी बात रखें। मित्रों, हिंदी साहित्य में गांव पर बहुत बड़ा प्रश्न है। ये लगभग विश्व साहित्य में इस संकट को लगातार अनुभव किया जा रहा है, और हिंदी साहित्य में तो जिस तरह से गांव धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं, हिंदी समाज में, हिंदी भाषी क्षेत्र में, पूरे भारतवर्ष में, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र में तो विशेष रूप से गांव लेकर के उन्होंने कई कहानियां लिखी हैं, और उसमें कुछ महत्वपूर्ण कहानियां भी हैं, लेकिन वो भी मोटे तौर पर उनकी छवि ग्रामीण लेखक की, ग्रामीण कथाकार के रूप में नहीं है। प्रगति हिंदी में प्रगतिशील आंदोलन, प्रगतिवादी आंदोलन के बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हुए हैं वो। यतन जोशी ने भी उपन्यास बहुत बड़ी मात्रा में लिखे उत्तराखंड के जीवन को लेकर के, लेकिन उनका जो थीम है, विषय वस्तु है, वो यहाँ के जनजीवन को लेकर के लगभग एक उपन्यास ऋतुचक्र नाम का उपन्यास 1966 में उनका छपा था, उसमें थोड़ा सा उल्लेख पहाड़ी जीवन का आया है। उत्तराखंड के ग्रामीण जीवन को लेकर के पहला जो बड़ा महत्वपूर्ण नाम उभर करके सामने आता है, जिसने उत्तराखंडी जीवन को बहुत गहराई से, यहाँ के जीवन को गहरे पैठ करके प्रस्तुत किया था, वो हमारे शैलेश मटियानी हैं। शैलेश मटियानी के प्रारंभिक उपन्यास वैसे बहुत उस रूप में साहित्यिक दृष्टि से चर्चित नहीं है, हौलदार है, चिट्ठी रसायन है, इस तरह की उपन्यास है उनके, लेकिन कहानियों के क्षेत्र में उन्होंने यहाँ के जनजीवन को बहुत गहराई से, और बहुत यहाँ के कृषकों के, यहाँ के दलितों के, यहाँ के उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि यहाँ के दलितों की समस्याएं मैदानों के दलितों की समस्याएं नहीं, यहाँ के खेतिहरों की समस्याएं मैदानों के खेतिहरों की समस्याएं नहीं है। तो वो जो एक अलग किस्म का एक सामाजिक स्वरूप बनता है पहाड़ी गांवों का, जिसमें जैसा अभी कोठियाल जी ने भी बताया था और तमाम लोगों ने इस बात को संकेत किया है कि हमारे यहाँ वो वर्णाश्रम या उसी प्रकार का जो ढांचा है वो सामान्यतः है, वर्ण व्यवस्था वाला ढांचा उस तरह का नहीं है जैसा मैदानों में। तो इस अंतर विरोधों को, इन ग्रामीण जीवन के समस्याओं को बहुत गहराई से जाकर के शैलेश मटियानी ने प्रस्तुत किया था, और उसी तरह से उन्हीं के समानांतर दूसरे महत्वपूर्ण लेखक हुए थे विद्यासागर नौटियाल। विद्यासागर नौटियाल की कहानियों में और उपन्यासों, उन्होंने संयोग से और बाद में लिखना शुरू किया। विद्यासागर नौटियाल का एक बड़ा, शायद वकालत के क्षेत्र में जाने के कारण उनके बाद में उनका जो उत्तरार्ध है वो लेखन की दृष्टि से समृद्ध है, लेकिन गढ़वाली समाज का जो एक बहुत ही ग्रामीण जीवन का एक अंतरंग स्वरूप है, और यहाँ के जीवन की समस्याओं को जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया है, वो केवल यहाँ के जातिवादी या यहाँ के एक सांप्रदायिक स्वरूप को ही नहीं प्रस्तुत करता, बल्कि यहाँ के
एक आर्थिक सोशल इकोनॉमिक जिसको कहते हैं उनको उन्होंने चित्रित किया है। एक और बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हुए हैं, पता नहीं आप लोगों ने किसी जमाने में बहुत लोकप्रिय भी हुए थे, डॉक्टर नामवर सिंह ने उनके उपन्यास को एक तरह से एक उत्तराखंड के समाज आर्थिकी का एक नया प्रस्थान बिंदु कहा था, वो थे जगदीश चंद्र पांडे। जगदीश चंद्र पांडे का एक उपन्यास सन 60-62 के आसपास 65 के आसपास प्रकाशित हुआ था, गगास के तट पर। गगास नदी है रानीखेत के आसपास की, एक छोटी सी नदी है और बहुत महत्वपूर्ण है पर्यावरण की दृष्टि से, महत्वपूर्ण नदी है वो। तो वहाँ उसके तट पर रहने वाला जो पहाड़ी जीवन है, ग्रामीण जीवन है, उसके अंतरंग स्वरूपों का उन्होंने बेहद मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया है। और असल में पहाड़ की जो छवि है वो मैदानों में या बाहर से आने वाले लोगों के दिमाग में वो यहाँ की प्रकृति केंद्रित है, प्रकृति को ध्यान में रख करके वो यहाँ के बारे में सोचते हैं, यहाँ का जनजीवन कैसा है, यहाँ के जनजीवन कितना अभावग्रस्त है, या अगर जनजीवन को भी लेते हैं तो वो जैसे फिल्मों में, बॉलीवुड की फिल्मों में आता है, वो जैसे राम तेरी गंगा मैली में राज कपूर जिस रूप में देखते हैं, यहाँ एक आइटम गर्ल के रूप में वो पहाड़ी लड़की को या स्त्रियों को चित्रित करते हैं। तो इसके स्थान पर इन लोगों ने, विद्यासागर नौटियाल ने, शैलेश मटियानी ने, पानू ठोलिया ने, एक बहुत महत्वपूर्ण कथाकार हुए हैं राधा कृष्ण कुकरेती। सन 1962 के आसपास राधा कृष्ण कुकरेती की एक कहानी आई थी, सरक दद्दा पाणी पाणी, अपने समय में बेहद चर्चित हुई थी वो कहानी, और उसके माध्यम से इस पर्वत गंगा के उत्स वाले, गंगा के को जन्म देने वाले इस क्षेत्र में पानी का किस कदर भयावह संकट है, इसको लेकर के सरक दद्दा पाणी पाणी के इस मिथक को, उस चिड़िया के इस मिथक को के माध्यम से पाणी जीवन के इस अकालग्रस्त भयावहता को उन्होंने चित्रित किया। हिमांशु जोशी और शेखर जोशी की कई कहानियां हैं जो ग्रामीण जीवन को, हालांकि वो मोटे तौर पर शहरी संवेदना के कहानीकार और उपन्यासकार हैं ये, लेकिन इनकी भी कुछ कहानियों में, खासकर हिमांशु जोशी की कुछ कहानियों में इस प्रकार का चित्रण आया है। मोटे तौर पर वो पहाड़ी जीवन का एक ग्लैमराइजेशन सा है, वो उसकी वो वैसी गहराई से उन अंतर्विरोधों की पड़ताल वो नहीं करते जिस रूप में विद्यासागर नौटियाल या शैलेश मटियानी या पानू खोलिया या राधा कृष्ण कुकरेती करते हैं। ये चार बहुत बड़े नाम हैं हिंदी कथा साहित्य के, विद्यासागर नौटियाल, राधा कृष्ण कुकरेती, शैलेश मटियानी और पानू खोलिया, जिन्होंने ग्रामीण जीवन के परस्पर अंतर्विरोधों का और पहाड़ी जीवन के अंतर्विरोधों को शायद पहली बार हिंदी साहित्य के सामने प्रस्तुत किया। लोगों ने जाना कि पहाड़ का जीवन, पहाड़ केवल वनस्पतियों की सुंदरता, सुंदर वहाँ की एक स्त्रियों का, सुंदर स्त्रियों का ही, लड़कियों का ही वो संसार नहीं है, बल्कि वहाँ एक इस प्रकार के सारा उत्पादन करने वाले और उसके बाद भी अभावग्रस्त जीवन जीने वाले वो लोग हैं, इसका उल्लेख उन्होंने